मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रचना भार्गव है और आज के इस इवेंट में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज सैटरडे है और क्योंकि तूफान हमारे साथ आया हुआ है, इसलिए आज के मॉड्यूल में थोड़ा सा चेंज किया है। इसको हम टीटीटी की तरह ट्रेन द ट्रेनर, यानी सीखना है, सिखाना है और आगे बढ़ता जाना है। जैसा कि मैंने मेरा नाम बताया, रचना भार्गव, बाय प्रोफेशन एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मान सम्मान पैसा सब कुछ था, बट एक समय पे आकर एक क्वालिटी टाइम की कमी लगने लगी थी फ्रेंड्स, और बस उसी टाइम कोविड आया और उसने और आई खोली कि भाई हाँ, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपके लिए हो और आपके साथ हमेशा रहे, किसी की तलवार आपके सिर पे ना लटके। तो बस, वैसे तो ये बिजनेस लास्ट 28 ईयर से सुरेखा दीदी के थ्रू मेरे साथ है, यूजर रही, बट बिल करने की हिम्मत कभी ना जुटा पाई। लेकिन कोविड ने सिखाया और सुरेखा दीदी का साथ मिला तो वो हिम्मत भी आई और अभी मैं डायमंड डायरेक्टर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। प्राउडली कह सकती हूँ कि खुशी खुशी काम कर रही हूँ, क्योंकि सुरेखा दीदी, मेरे पापा, सबका यही कहना है कि जो काम खुशी खुशी करते हैं वो आप लंबे समय तक कर सकते हो और बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो इसी के साथ, अगर आज के इवेंट की बात करी जाए, टीटीटी का जो फर्स्ट डे है उसका आगाज करने के लिए मैं नन अदर देन बुलाना चाहती हूँ सुरेखा भार्गव जी को, जो कि हम सबकी गुरु माँ है। और गुरु वर्ड का जो मतलब है वो 100% सार्थक होता है, क्योंकि अगर उनका हाथ हमने पकड़ लिया तो सफलता निश्चित है, चाहे वो कैसी भी तरह की सफलता है, अपनी ग्रोथ आपको हर तरीके से दिखेगी। तो मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहती हूँ सुरेखा दीदी का। ओवर टू यू सुरेखा दीदी। थैंक यू सो वेरी मच। गुड मोदी के मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। तो आप तैयार हैं? हम फिर से कहते हैं ना, कमर कस लिए हमने, घोड़े हमारे दौड़ा लिए हैं दिमाग के, और जो पूरी टीम के लिए, मोदी घर के लिए जो बेस्ट है, वो ही मॉड्यूल्स, वो ही शेड्यूल हम बना रहे हैं। और आशा करते हैं कि जो कुछ भी हम आपके लिए कर रहे हैं वो नो डाउट बहुत मेहनत का है, उसमें काफी एफर्ट्स लगते हैं, उसमें टीम वर्क बहुत होता है, बट उम्मीद यही है कि इसका आप लोग पूरा पूरा फायदा उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसा कि रचना जी ने आपको बताया कि हम ट्रेन द ट्रेनर करने जा रहे हैं, अब से इस महीने 5 थर्सडे हैं और हम पांचों के पांचों थर्सडे टीटीटी ट्रेन द ट्रेनर करेंगे। उसका पर्पस क्या है, आइए बात करते हैं। इस बात को समझिए कि हमारे बिजनेस में हम कहते हैं, किसी से सीखो ऐसे, किसी को सिखाओ ऐसे, और खुद कमाओ पैसे। तो किसी से सीखो कैसे, किसी को सिखाओ ऐसे, और सारे के सारे कमाओ पैसे, ये हमारा मोटो रहता है। तो सीखना जितना जरूरी है, सिखाना उतना ही जरूरी है। यानी कि जो भी व्यक्ति हमारे बिजनेस में आता है, उसको स्टूडेंट बनना है, फिर अच्छा स्टूडेंट बनना है, फिर टीचर बनना है, और फिर बहुत अच्छा टीचर बनना है। इस बात को समझिए, स्टूडेंट बनना है मतलब सीखा, अच्छा स्टूडेंट मतलब बना बने तो मतलब जो सीखा उसको फॉलो किया, एग्जीक्यूट किया, फिर टीचर बने यानी जो सीखा जो एग्जीक्यूट किया वो सिखाया, और फिर बहुत अच्छे टीचर बने यानी जो सीखा जो प्रैक्टिस किया जो सिखाया वो स्टूडेंट ने कर लिया, उसको उतना प्रेरित कर देना, उससे ऐसे रिलेशन बिल्ड कर लेना, ऐसा उसको माहौल दे देना कि जो आपने उसे सिखाया वो उसने प्रैक्टिस किया। ये जब साइकिल हम कंप्लीट करते हैं तो हम डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होते चले जाते हैं। तो एज ए सिस्टम, एज ए लीड प्लेटफॉर्म, हम आपके लिए करने जा रहे हैं ट्रेन द ट्रेनर, यानी आपको भी आना है, आपके डाउनलाइंस को भी लेकर के आना है, और जो सीखने सिखाने का काम है वो जो स्किल इम्पार्ट करनी होती है, जो विल भी चाहिए होती है तो स्किल भी चाहिए होती है, तो स्किल डेवलप करने के लिए ये ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम किए जाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे बिजनेस में जो भी ज्वाइन किया है उसे ट्रेनर बनना है, जो जितना अच्छा ट्रेनर होगा वो उतना ही ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो ट्रेनर को ट्रेन करने का काम हमारा है, जो कि हम टीटीटी के थ्रू कर रहे हैं। इसका तरीका यही होगा, हम आपको स्क्रिप्ट देंगे, स्क्रिप्ट पे प्रैक्टिस कराएंगे, रट्टाफिकेशन लगवाएंगे, घुट्टे लगवाएंगे, हम ये करेंगे। आप भी अपने डाउनलाइंस के साथ यही कीजिए, हर कोई, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि देखिए तूफान इज ऑन। जब तूफान आता है ना, जब कोई भी कंपनी का प्रमोशन आता है, तो मैं कहती हूँ उस प्रमोशन में श्रीलंका मिल जाए बहुत बढ़िया है, मलेशिया मिल जाए बहुत बढ़िया है, दुबई मिल जाए बहुत बढ़िया है, थाईलैंड मिल जाए बहुत बढ़िया है, उन सबसे बढ़िया है कुछ 2-4-5 अच्छे लीडर्स मिल जाएं। 2-4-5 अच्छे लीडर्स मिल गए ना, तो फिर तो स्विट्जरलैंड भी हो जाएगा, फिर जन्नत यही धरती पर आप बना लोगे, अगर 2-4-5 लीडर्स मिल गए तो। और मिलते नहीं है, डेवलप किए जाते हैं लीडर्स एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करके। तो सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेन द ट्रेनर, और वो ही हम करने जा रहे हैं आपके लिए। तो पूरी टीम ने आपके लिए तैयारी की है, आइए जोरदार तालियों से हम बुलाने जा रहे हैं, जोरदार तालियों से, हरदीप दुआ जी को। ऑल दी वेरी बेस्ट हरदीप जी, गो अहेड। थैंक यू मैम, यस, थैंक यू सो मच। दिव्या मैम, हाँ, दिव्या मैम,
अच्छा, ओ दिव्या मैम, मैं मुझे ये था कि हरदीप जी जो हैं वो एमसी करेंगी, पर ठीक है, दिव्या जी अगर आ रही हैं तो भैया फिर डॉक्टर एक्सपर्ट को सुनना पहले बनता है। आइए सुनते हैं एक्सपर्ट क्या कहती है। हम आज सबसे पहले जिस प्रोडक्ट को हमने उठाया है वो है हेम्प लैब प्रोडक्ट। हेम्प लैब जो ये रेंज है लोगों को बहुत खूबसूरत बना रही है, और एक लेमैन भी इसको बहुत अच्छे से प्रमोट कर पा रहा है, पर एक एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहता है ये जानने के लिए हम जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर दिव्या जी को स्टेज पर बुलाना चाहेंगे, स्क्रीन पर बुलाना चाहेंगे। जोरदार तालियां दिव्या जी के लिए हो जाए। ऑल दी थैंक यू वेरी थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम टीटीटी सीखने वाले हैं, दैट इज ट्रेन द ट्रेनर, और स्पेशली एक ऐसा प्रोडक्ट जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है। व्हाई सो? क्योंकि ना देखिए, स्किन केयर जो है ना वो हमारे जीवन में आज की डेट में लग्जरी नहीं रह गया। इट्स ऑल बिकम आर नेसेसरी। नेसेसरी क्यों? क्योंकि हमारी इतनी सारी स्किन टाइप है ना, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, और सबसे बड़ी सेंसिटिव स्किन है। इतनी सारी स्किन्स होने के बाद में एक क्वेश्चन हम सबके दिमाग में उठता है कि मार्केट में इतने सारे सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं, कौन सा वाला अप्लाई किया जाए। तो बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज से कुछ साल पहले मैंने हेम्प के बारे में पढ़ा था, और इस पढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि काश काश ये ऐसा प्रोडक्ट कुछ बहुत अच्छी ब्रांडिंग में मेरे को मिल जाए, बहुत अच्छे ब्रांड के पास मिल जाए, जिससे मेरी स्किन ऐसी हो जाए जो नेचुरली ग्लो करे। एंड थैंक्स टू मोदी केयर कि उन्होंने ये स्किन हमारा हैम्प लैब हमारे लिए लेके आए, और इसने मेरी लाइफ बदल दी। क्योंकि आई एम द वन, एज अ डॉक्टर, एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, है ना, मेरे को एक्ने प्रोन स्किन भी है, सेंसिटिव भी है, ऑयली भी है, एंड दिस इज द वन जो मेरी स्किन के लिए वंडरफुल वर्क करता है। वाई सो? अगर मैं बात करूँ ये ड्राई स्किन में कैसे काम करता है, तो आपके मॉइस्चर को लॉक करने में आपकी मदद करता है। बात करूँ ऑयली स्किन के लिए, तो जो आपका सीबम प्रोडक्शन होता है उसको बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। आप सेंसिटिव स्किन में आएंगे तो सेंसिटिव स्किन में ये बैलेंस करता है कि आपकी सेंसिटिव स्किन जो है वो ओमेगा से भरपूर रहे, जिसकी वजह से कुछ भी लगाने से आपको ऑल ऑफ सडन एलर्जी ना हो जाए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंटी एजिंग में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें बहुत भरपूर मात्रा में आपके एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो इस वक्त आप लैपटॉप या टीवी देख रहे हैं तो आपको ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, है ना। दिस इज द वन जो मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है, एंड दिस इज वाई जब मेरा पेन और पेपर चलता है एज अ डॉक्टर, तो ये हैम्प लैब जरूर उसमें मिलता है एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो दिस इज द वन जो आपको सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपको श्रीलंका ले जाने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ध्यान से इस टीटीटी को सीखना है, समझना है, और उस पर ग्रो करना है। सो थैंक यू सो मच। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। जब एक डॉक्टर कहती हैं कि हाँ वो इसको प्रमोट करती हैं, डॉक्टर का कॉन्फिडेंस जब किसी प्रोडक्ट में दिखाई देता है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ जाता है। और नो डाउट जब हम खुद यूज करते हैं तो जो हमारा सारा कॉन्फिडेंस है वो हमारी खुद के रिजल्ट से, खुद की जो लोग जो हमें लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिलने लगता है कि आप, मेरे को लोग कहते हैं आज हम सुरेखा दी से नहीं मिलकर के आए, उनकी छोटी बहन से मिलकर के आए, तो लगता है कि हाँ चलो जो हम काम में ले रहे हैं वो अच्छा है। और कुछ ऐसा हो जो सब के लिए ठीक हो, मेल फीमेल हर तरीके की स्किन के लिए ठीक हो, तो फिर तो उस प्रोडक्ट के बारे में जानना बनता है, उसको यूज करना बनता है, उसको लोगों को सिखाना बनता है, और उस पूरे हिंदुस्तान में उस प्रोडक्ट का इतना मोमेंटम क्रिएट करना बनता है कि लोगों तक राइट वैल्यू पहुंचे, लोगों तक उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहुंचे, लोगों को रिजल्ट आए, हम दुनिया को और खूबसूरत बनाए और खुद का जीवन भी और सुंदर बनाते चले जाए। सब मिलके बहुत सारा कॉन्फिडेंस कमाए, पैसा कमाए, बहुत घूमने जाए, और अभी तो श्रीलंका है तो डेफिनेटली हेम्प लैब रेंज बिल्कुल तैयार करना बनता है। तो आइए चलते हैं जोरों शोरों से, अब आगे इस प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और फ्रेंड्स, जैसा कि दीदी ने बताया, दिव्या मैम ने बताया, हेम्प लैब अपने आप में एक ऐसी रेंज है। तो क्या आप सीखने के लिए रेडी हैं? जानना चाहते हैं हेम्प लैब के बारे में, और उसको यूज करके और उसको शेयर करके कैसे हम श्रीलंका जाएंगे? तो उसको करने के लिए, क्योंकि सुरेखा दीदी का कहना है कि सिस्टम इज इक्वल टू सक्सेस, हम क्यों स्क्रिप्ट पे बात कर रहे हैं? क्योंकि हमको एक माला बनानी है, सारे मोती एक जैसे साइज के होंगे, और वो तब कैसे होंगे जब हम एक ही तरीके की बात करेंगे, सब एक प्रोडक्ट को उठा के एक जैसी जब सब बातें करेंगे, तो वो हमारी माला बड़ी होती जाएगी और फिर हमारी सफलता भी बड़ी होती जाएगी। तो मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं स्क्रिप्ट आपके साथ शेयर करूंगी। मॉड्यूल जो सेट किया गया है वो ऐसा है, एक बार मैं आपको
स्क्रिप्ट पढ़ के बताती हूँ वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ में, और पांचों प्रोडक्ट्स की, हमारा जैसे 5 स्टेप्स रेंज है, पांचों प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, सब तरीके से बात करेंगे, और फिर आप लोगों में से ही मैं हैंड रेस करवा के बात करूंगी और हम रिपीट भी करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमने बोला वो हम सीखते हैं, थोड़ा सीखते हैं, जो हमने सुना वो थोड़ा हम ज्यादा सीखते हैं, लेकिन बोल के पढ़कर सुनकर जब हम कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, और हमारा टीटीटी का जो मेन एम है वो यही है कि हमें प्रोडक्ट याद हो जाए, क्योंकि प्रोडक्ट हमारी बैकबोन है, और जब हम हैम्प लैब जैसी बात करेंगे तो वो आपको अभी मालूम पड़ने वाला है कि कैसे हम उसके साथ ज्यादा सफलता और जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 सेकेंड का टाइम दीजिए मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए। यस, तो फ्रेंड्स आपके सामने इंट्रोड्यूस करते हैं हैम्प लैब रेंज, एक ऐसी रेंज है जो हर दिल की जरूरत है। अब बात आती है स्क्रिप्ट की, हमें अंदर ही अंदर रचना इसके, रचना, इसको फुल स्क्रीन कर सकते हो? ये फुल स्क्रीन है दीदी, अच्छा ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब बात आती है, जस्ट गिव मी सेकेंड, यस, अब बात आती है कि हमें इसको लोगों को कैसे बताना। हमें सब मालूम है हम मोदी के एरियन से, लेकिन श्रीलंका के कारण नई ज्वाइनिंग्स खूब हो रही हैं, नए ज्वाइनिंग्स आ रहे हैं, या जिसे बोलना नहीं आता, तो ये एक ऐसी चीज आपके हाथ में आ गई है स्क्रिप्ट, जिसके लिए निशान भार्गव जी ने हमको जो पीडीएफ फॉर्म दिया है उसके लिए तालियां बजानी चाहिए, और टीम ने जिसने इसको रेडी करा उसके लिए तालियां बजनी चाहिए। एक प्रॉपर आपको स्क्रिप्ट हमने दे दी है, जैसी मीटिंग खत्म होगी हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, आपको अभी ध्यान से सुनना है, फिर आप में से ही 3-4 लोगों से हम बात करेंगे। तो कैसे करना है, सबसे पहले हमें नीड जनरेट करनी है, तो नीड कैसे जनरेट होगी, आज की भागती दौड़ती और तड़क भड़क चकाचौंध वाली लाइफस्टाइल में खुद को मेंटेन रखना, सुंदर दिखना, एक प्लीजेंट पर्सनैलिटी बनने की रेस में शामिल होना लग्जरी नहीं है, एक जरूरत बनता जा रहा है। सही कहा ना मैंने? आप भी हमारी इस बात से सहमत होंगे कि आपका रंग चाहे साफ हो या डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, चमकदार और स्पॉटलेस स्किन सबको अच्छी लगती है। स्किन पर एक छोटा सा दाग भी ना मन पे बहुत गहरा प्रभाव छोड़ देता है। हमारे कपड़े पर दाग लग जाए तो ड्राई क्लीन हो सकता है, पर स्किन के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि वो हमारा आईना है जिसका चमकदार क्रिस्टल क्लियर होना तो बनता ही है। तो आइए बात करते हैं ऐसी जादुई प्रोडक्ट रेंज, वन ऑफ इट्स काइंड रेंज की, जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, जिसका नाम है हेम्प लैब, जो कि आजकल ब्यूटी इंडस्ट्री में मोस्ट ट्रेंडी इंग्रेडिएंट माना जाता है। ये एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, यानी सभी तरह की स्किन टाइप्स को सूट करता है। लोग थक जाते हैं महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते पे, पर रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि हर प्रोडक्ट हर स्किन को सूट नहीं करता। लेकिन हेम्प रेंज अपने इसी गुण के कारण ओवरनाइट रिजल्ट्स देने में सक्षम है, और हमारी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और सपल बनाता है, और नेचुरल हार्मनी देता है, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए रेडिएंट बना देता है। ये नॉन कोमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट से बना है, जिससे हमारी स्किन के पोर्स बंद नहीं होते और स्किन को ब्रेथेबल बनाते हैं, और वही प्रोडक्ट स्किन के लिए अच्छा होता है जो स्किन को सांस लेने का मौका दे। हेमरेज से हम क्लीन ब्यूटी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, अगर इसकी बात करें तो डर्मोटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, जैसे अभी दिव्या मैम ने बताया कि वो खुद एक डॉक्टर है और इसको प्रिस्क्राइब करती है, क्रुएल्टी फ्री है, वीगन है, लाइट वेट प्रोडक्ट है ये, और अगर इसकी खूबियों की बात करी जाए तो इसमें हैम सीड ऑयल है, विटामिन सी है, हाइलोनिक एसिड है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, आर्गन ऑयल, रोज हिप ऑयल, आलमंड ऑयल और अनार का सर्फ मिला है, जो हमारी त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रख के स्किन को चमकदार और प्रीमैच्योर स्किन होने से बचाता है। ये एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, यानी इसे कोई भी यूज कर सकता है, जिससे हमें हमारी वार्डरोब में तरह तरह के महंगे प्रोडक्ट्स रखने से छुटकारा मिल जाता है। तो है ना ये कमाल की रेंज, तो जो करना चाहे अपनी स्किन से प्यार वो कैसे करे हैम प्रेस से इनकार। फिर अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, 5 तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको कि ये क्या क्या करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारा रिपेयर एंड बैलेंसिंग फोमिंग फेस वॉश, नाम से ही समझ आ जाता है कि ये हमें सवेरे शाम यूज करना है। एमआरपी की बात करें तो 900 रुपए है, डीपी की बात करें यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, जब हम मोदी केयर ज्वाइन कर लेते हैं तो हमें प्रोडक्ट सस्ते में मिलने लगते हैं, अप टू 20% तक, तो वो वाली प्राइस है ये 782.61, PV 17। फिर बात आती है दूसरे प्रोडक्ट की, जो कि हमारा है रिपेयर एंड बैलेंसिंग फेस स्क्रब, दिन भर की धूल धमक से बचने के लिए और डेड स्किन रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एमआरपी 950 रुपए है, डीपी 826 रुपए है, और पीवी हमें करीब करीब 18.5 PV मिल जाते हैं।
थर्ड प्रोडक्ट है रिपेयर एंड बैलेंसिंग मिल्क सिरम। मिल्क सिरम हमारी स्किन को अंदर से सॉफ्ट और सपल बनाता है। एमआरपी इसकी 1050 है, डीपी 913 रुपीज है, पीवी 20.29 है। फोर्थ प्रोडक्ट की बात करें तो रिपेयर एंड बैलेंसिंग फेस ऑयल। ऑयल के नाम से तो हम सब वैसे ही घबरा जाते हैं क्योंकि चिपचिपाहट, एक्ने सब ध्यान में आ जाते हैं, और पर हेम्पसीड ऑयल अपने वर्सेटाइल गुणों के कारण सब स्किन टाइप को अंदर से हाइड्रेशन पहुंचाता है। इसकी एमआरपी की बात करें तो 1100 रुपए है, डीपी 956 रुपए है, और पीवी की बात करें तो 21 पीवी करीब करीब हमें इससे मिलते हैं। अब फिफ्थ प्रोडक्ट जो है वो है रिपेयर एंड बैलेंसिंग मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को के मॉइस्ट को लॉक करता है और उसे डैमेज होने से बचाता है, जिससे एजिंग साइंस को दूर करने में मदद मिलती है। एमआरपी है 1250 रुपए, डीपी इसकी है 1086, और पीवी की बात करें तो 24.15 पीवी है। अब अगर देखिए, जैसे मैंने आपसे बात करी डीपी की, अगर हम ये पांचों पूरी रेंज लेते हैं जो कि इतनी इफेक्टिव रेंज है, तो हमें खर्च कितना करना है, 4565 रुपए, लेकिन पीवी मिल जाते हैं हमें 101, यानी 101 रुपए का शगुन हो गया हमारी सफलता प्राप्त करने के लिए। ये रेंज ने हमें सुकून दिया है। अब अगर हम हेमलैब का फुल बास्केट लेते हैं, तो ये मैंने आपसे शेयर किया कि 100 पीवी जनरेट करके आपको 100 पीवी कोर बना देता है, जो कि हमारी सफलता का आधार है, और यहीं से आपके सारे छोटे बड़े सभी सप्रे पूरे शुरू होते होने हो जाते हैं, और वो भी सिर्फ अपनी दुकान, खर्चा और चर्चा बदलकर। तो क्या आप अपने सपने पूरा करने के लिए तैयार हैं? तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट है जिसमें हमें हैम्प लैब के की फीचर्स बताकर हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, ज्वाइनिंग आ सकती है। और अभी जैसे तूफान चल रहा है, तो इसमें अगर हमने 9 हैम्प लैब कर दिया तो धनवर्षा, श्रीलंका क्लियर होना कितना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ रिपीट करने के लिए? तो चलिए, सबसे पहले रिपीट करने के लिए आप हैंड्स रेज देख रही हूं मैं। यस, हमारी एक अच्छी लीडर हरदीप मुझे दिख रही है। हरदीप जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर से, जिससे हरदीप मैम भी उसको देख देख के इजीली समझ पाएंगी। मैं वापस से शेयर कर देती हूँ, और स्क्रीन स्क्रीन पे लेना चाहती हूँ मैं अपने साथ हरदीप मैम को। यस हरदीप मैम, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो आई विल स्टार्ट राइट अवे। तो हेम्प लैब रेंज की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी जरूरत की बात करेंगे नीट की। आज की भागती दौड़ती, तड़क भड़क और चकाचौंध वाली लाइफस्टाइल में खुद को मेंटेन करना और सुंदर दिखना, एक प्लेजेंट पर्सनालिटी बनने की रेस में शामिल होना कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि एक जरूरत बनता जा रहा है। सही कहा मैंने? आप भी हमारी इस बात से सहमत तो होंगे ही कि आपका रंग चाहे साफ हो या फिर वो डार्क कॉम्प्लेक्शन, चमकदार और स्पॉटलेस स्किन सबको अच्छी लगती है। स्किन पर एक छोटा सा भी दाग हो जाए ना, तो मन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। हमारे कपड़े पर दाग लग जाए तो हम ड्राई क्लीन हो सकते हैं, पर स्किन के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारा आईना है जिसका चमकदार और क्रिस्टल क्लियर होना तो बनता है। मैम नेक्स्ट स्लाइड, थैंक यू। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे चमकदार रख सकते हैं स्किन को, तो आइए बात करते हैं एक ऐसे जादुई प्रोडक्ट रेंज, वन ऑफ इट्स काइंड रेंज की, जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, जिसका नाम है हेम्प लैब, जो कि आजकल ब्यूटी इंडस्ट्री में मोस्ट ट्रेंडी इंग्रेडिएंट माना जा रहा है। ये एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, यानी सभी तरह की स्किन टाइप को सूट करता है। लोग थक जाते हैं महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते करते, पर रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि हर प्रोडक्ट हर स्किन को सूट ही नहीं होता। लेकिन हेम्प रेंज अपने इसी गुण के कारण ओवरनाइट रिजल्ट्स देने में सक्षम है और हमारी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और सपल बनाता है। इसका 5-स्टेप रूटीन है, हमारी स्किन को नेचुरल हार्मनी देता है, और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए रेडिएंट बनाता है। ये नॉन कमेडोजेनिक इंग्रेडिएंट से बना है, जिससे हमारी स्किन के पोर्स बंद नहीं होते और स्किन को ब्रीदेबल बनाते हैं, और वही प्रोडक्ट स्किन के लिए अच्छा होता है जो स्किन को सांस लेने का मौका देता है। हेम्प रेंज से हम क्लीन ब्यूटी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, क्रुएलिटी फ्री है, वीगन है और लाइट वेट प्रोडक्ट है। और इसके फीचर्स, अगर हमें इंग्रेडिएंट्स की बात करें, तो इसमें हेम्प सीड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है,
वाइटामिन सी है, हाइलुरोनिक एसिड है, वाइटामिन ई है, आर्गन ऑयल और रोज हिप ऑयल है, एलमंड ऑयल है और अनार का सत मिला है जो हमारी त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रख के स्किन को चमकदार और प्री मेच्योर स्किन होने से बचाता है। ये एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, यानी इसे कोई भी यूज कर सकता है, जिससे हमें हमारी वार्डरोब में तरह तरह के महंगे प्रोडक्ट्स रखने से छुटकारा मिल जाता है। तो है ना ये कमाल की रेंज। तो जो करना चाहे अपनी स्किन से प्यार, वो कैसे करे हैम्प रेंज से इनकार। तो अब जानते हैं प्रोडक्ट डिटेल। अब आइए इसके प्रोडक्ट्स के नाम से इसको जानते हैं कि कौन कौन से पांच प्रोडक्ट हैं। सबसे पहला है रिपेयर एंड बैलेंसिंग फोमिंग फेस वॉश। नाम से ही समझ में आ रहा है कि फेस वॉश है जिसे हमें सुबह और शाम यूज करना है। तो MRP 900 रुपया है और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 782 और 17 PV आपको आराम से मिल जाते हैं। दूसरा है रिपेयर एंड बैलेंसिंग फेस स्क्रब। दिन भर की धूल धमक से बचने के लिए और डेड स्किन रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी भी MRP 950 है और DP है 826, तो आपको 18 PV देता है ये। रिपेयर एंड बैलेंसिंग मिल्क सीरम इसका तीसरा प्रोडक्ट है। मिल्क सीरम हमारी स्किन को अंदर से सॉफ्ट और सपल बनाता है। हालांकि इसका MRP 1050 है, इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस मात्र 913 रुपए है और इसमें हमें मिलते हैं पॉइंट वैल्यू 20। और चौथा प्रोडक्ट है रिपेयर एंड बैलेंसिंग फेस ऑयल। हरे ऑयल के नाम से तो सब घबरा जाते हैं क्योंकि चिपचिपाहट, एक्ने सब ध्यान आ जाते हैं उस टाइम पर। हैम्प सीड ऑयल अपने वर्सटाइल गुणों के कारण सब स्किन टाइप को अंदर से हाइड्रेशन पहुंचाता है और इसका MRP है 1100 रुपए, DP प्राइस है 956 और 21 PV हमें देता है। और पांचवा लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट है रिपेयर एंड बैलेंसिंग मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर हमारी स्किन के मॉइस्ट को लॉक करके उसे डैमेज होने से बचाता है, जिससे एजिंग साइंस को दूर करने में मदद मिलती है। इसका MRP है 1250 और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 1086 रुपए और इसमें मिल जाते हैं हमें 24 PV। तो टोटल हमारी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस वैल्यू होगी लगभग 4,565 रुपए। बट ये आपको जानना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट कोई महीने भर में खत्म नहीं हो जाते, ये महीनों महीने चलते हैं। तो आपने इससे अर्जित किए 101 PV। तो अब हम तूफान का मैथमेटिक्स देखेंगे कि हेम्प लैब का फुल बास्केट 101 PV जनरेट करके आपको 100 PV कोर बनाता है, जो कि हमारी बड़ी सफलता का आधार है। और यहीं से आप अपने सारे छोटे बड़े सभी सपने पूरे होने शुरू हो जाते हैं, और वो भी सिर्फ आपकी अपनी दुकान, खर्चा और चर्चा बदल कर। तो क्या आप अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हैं? ओवर टू यू मैम। हाँ जी, तैयार है हम। Yes, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, अमेजिंग, थैंक यू। अब मैं वापस से स्क्रीन शेयर करे बिना, मतलब बंद करे बिना, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट हमारी, यस, ब्यूटीफुल मरीशा मैम दिख रही है मुझे, मैं इनको इनवाइट करती हूँ। मरीशा मैम, ओवर टू यू। यस मैम, गुड मॉर्निंग। कैन मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। कैन मॉर्निंग ऑल, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आज की भागती दौड़ती तरक भरक और चकाचौंध वाली लाइफ स्टाइल में खुद को मेंटेन रखना, सुंदर दिखना, एक प्रेजेंट पर्सनैलिटी बनने की रेस में शामिल होना लग्जरी नहीं, एक जरूरत बनता जा रहा है। सही कहा ना हमने? आप भी हमारी इस बात से सहमत होंगे कि आपका रंग चाहे साफ हो या डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, चमकदार और स्पॉटलेस स्किन सबको अच्छी लगती है। स्किन पर एक छोटा सा दाग भी न मन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। हमारे कपड़े पर दाग लग जाए तो ड्राई क्लीन हो सकता है, पर स्किन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा आईना है और जिसका चमकदार और क्रिस्टल क्लियर होना तो बनता है। तो आइए बात करते हैं ऐसे जादुई प्रोडक्ट रेंज, वन ऑफ इट्स काइंड रेंज की, जो हमारे सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जिसका नाम है हेम्प लैब, जो कि आजकल ब्यूटी इंडस्ट्री में मोस्ट ट्रेंडी इंग्रेडिएंट माना जाता है। ये एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, यानी सभी तरह की स्किन टाइप को सूट करता है। लोग थक जाते हैं महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते करते, रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि हर प्रोडक्ट हर स्किन को सूट नहीं होता, लेकिन हेम्प रेंज इसी गुण के कारण ओवरनाइट रिजल्ट देने में सक्षम है और हमारी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ एंड सपल बनाता है। इसका 5-स्टेप रूटीन हमारी स्किन को नेचुरल हार्मोनी देता है, और सबसे बड़ी बात कि ये हमारे स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए रेडिएंट बनाता है। ये नॉन कॉमोडोजेनिक इंग्रेडिएंट से बना है, जिससे हमारी स्किन के पोर्स बंद नहीं होते और स्किन को ब्रेदेबल बनाते हैं,
और वही प्रोडक्ट स्किन के लिए अच्छा होता है जो स्किन को सांस लेने का मौका दे। हेम्प रेन से हम क्लीन ब्यूटी क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ये पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, क्रुएल्टी फ्री है, वीगन है, लाइट वेट प्रोडक्ट है। इसमें अगर हम इसके फीचर्स की बात करें कि इसमें इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो इसमें हेम्प सीड ऑयल है, विटामिन सी, हाइलोरिनिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, आर्गन ऑयल, रोज हिप ऑयल, आमंड ऑयल और अनार का सर्प मिला है जो हमारी त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रखता है, स्किन को चमकदार, प्री मेच्योर स्किन होने से बचाता है। ये एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, यानी कि इसे कोई भी यूज कर सकता है, जिससे हम अपनी जिसे हम अपने वार्डरोब में तरह तरह के जो महंगे प्रोडक्ट रखने से छुटकारा मिल जाता है। तो ये है ना कमाल की रेंज, जो करना चाहे अपने स्किन से प्यार वो कैसे करे हेम्प रेन से इनकार। प्रोडक्ट डिटेल को भी हम जानते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उसके नाम से जानते हैं। जैसे पहला है हमारे पास रिपेयर एंड बैलेंसिंग फोमिंग फेस वॉश। नाम से ही समझ आता है कि ये फेस वॉश है जिसे हमें सुबह शाम यूज करना है। इसकी एमआरपी है 900, डीपी है इसका 782 रुपीज एंड पीवी आता है इसका 17। दूसरा है इसका रिपेयर एंड बैलेंसिंग फेस स्क्रब। दिन भर की धूल दमक से बचने के लिए और डेड स्किन रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी एमआरपी है आपको 950 रुपए, डीपी है इसका 826 रुपए और पीवी आती है इसकी 18.36। रिपेयर एंड बैलेंसिंग मिल्क सीरम इसका तीसरा प्रोडक्ट है। मिल्क सीरम हमारी स्किन को अंदर से सॉफ्ट और सफल बनाता है। इसकी एमआरपी है 1050 रुपए, डीपी है इसका 913 रुपए और पीवी आती है 20.29 पी। प्रोडक्ट चौथा इसका है हमारा रिपेयर एंड बैलेंसिंग फेस ऑयल। ऑयल के नाम से तो हम सब घबरा जाते हैं क्योंकि चिपचिपाहट, एक्ने का ध्यान आ जाता है, हमारे सब की स्किन पर आ जाएगा। पर हेम्प सीड ऑयल अपने वर्सेटाइल गुण के कारण सब स्किन टाइप को अंदर से हाइड्रेशन पहुंचाता है। इसकी एमआरपी है 1100 रुपए, डीपी प्राइस है इसकी 956 रुपए और पीवी है इसकी 21.26। रिपेयर एंड बैलेंसिंग मॉइस्चराइजर इसका पांचवा प्रोडक्ट है। मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को मॉइस्ट को लॉक करके उसे डैमेज होने से बचाता है, जिससे एजिंग साइन को दूर करने में मदद मिलती है। एमआरपी है इसकी 1250 रुपए, इसका डीपी प्राइस है 1086 रुपए और इसे पीवी मिलती है हमें 24.15 की। टोटल डीपी वैल्यू जो आती है करीब 4,565 रुपए की आती है। टोटल पीवी जो बनती है वो पूरे बास्केट से हमें 101 पीवी का ये पूरा बास्केट कंप्लीट होता है। तूफान के इसमें हमें कैसे ये हेल्प करता है, तो हेम्प लैब का फुल बास्केट 101 पीवी जनरेट करके आपको 100 पीवी का कोर बनाता है, जो हमारे बड़ी सफलता का आधार है और यही से आपके सारे छोटे बड़े सभी सपने शुरू पूरे होने शुरू हो जाते हैं। और ये भी वो भी सिर्फ अपनी दुकान, खर्चा और चर्चा बदलकर। तो क्या आप अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हैं? यस मैम, ओवर टू यू मैम। यस, फैंटास्टिक। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम वन बाय वन रिपीट करते जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हम सबको तो ओपन नहीं करवा सकते अभी, हालांकि दो लीडर्स को और मैं लाने वाली हूँ, लेकिन जब हम पढ़ रहे हैं, लीडर पढ़ रहे हैं, आप भी पीछे पीछे अपने लिपसिंग के साथ पढ़ना शुरू करिए। तो देखिएगा, जब तक मीटिंग ओवर होगी, मतलब हमारी ट्रेनिंग खत्म होगी, आपको ये रेंज याद हो चुकी होगी। तो मैं नेक्स्ट लीडर को बुलाना चाहती हूँ, जो कि है रोमिला जी। रोमिला जी, ओवर टू यू। यस, अनम्यूट करिए मैम अपने आप को। यस, परफेक्ट। गुड मॉर्निंग, के मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं आज आपको हेम्प रेंज के नीड के बारे में बताऊंगी। आज की भागती दौड़ती, तड़क भड़क और चकाचौंध वाली लाइफस्टाइल में खुद को मेंटेन रखना, सुंदर दिखना, एक प्लेजेंट पर्सनालिटी बनने की रेस में शामिल होना लग्जरी नहीं, एक जरूरत बताया जाता है। सही कहा ना मैंने? आप भी हमारी इस बात से सहमत होंगे कि आपका रंग चाहे साफ हो या डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, चमकदार और स्पॉटलेस स्किन सबको अच्छी लगती है। स्किन पर एक छोटा सा दाग भी न मन को बहुत मन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। हमारे कपड़े पर दाग लग जाए तो हम ड्राई क्लीन करा सकते हैं, पर स्किन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमारा आईना है जिसका चमकदार और क्रिस्टल क्लियर होना तो बनता है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है?
तो आइए बात करते हैं एक ऐसे जादुई प्रोडक्ट रेंज, वन ऑफ इट्स काइंड रेंज की, जो कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, जिसका नाम है हैम्प लैम्प। हैम्प लैम्प जो आजकल ब्यूटी इंडस्ट्री में मोस्ट ट्रेंडी इंग्रेडिएंट माना जाता है। ये एक वर्सटाइल प्रोडक्ट है, यानी सभी तरह की स्किन पर ये सूट करता है। लोग थक जाते हैं महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते करते, पर रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि हर प्रोडक्ट हर स्किन को सूट नहीं करता। लेकिन हैम्प रेंज अपने इसी गुणों के कारण ओवरनाइट रिजल्ट्स देने में सक्षम है और हमारी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ एंड सपल बनाता है। इसका 5-स्टेप रूटीन हमारी स्किन को नेचुरल हार्मोनी देता है और सबसे बड़ी बात यह है कि स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए रेडिएंट बनाता है। ये नॉन कोमेडोजेनिक है, इंग्रेडिएंट है इसमें, जिससे हमारी स्किन के पोर्स बंद नहीं होते और स्किन को ब्रीदेबल बनाता है। और वही प्रोडक्ट स्किन के लिए अच्छा होता है जो स्किन को सांस लेने का मौका देता है। हैम्प रेंज से हम क्लीन ब्यूटी क्लेम कर सकते हैं क्योंकि ये पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, क्रुएल्टी फ्री, वीगन, लाइट वेट प्रोडक्ट है। अब इसके फीचर्स की बात करें तो इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें कोल्ड प्रेस्ड हैम्प सीड ऑयल है, विटामिन सी है, हाइलोरोनिक एसिड है, विटामिन ई है, अर्गन ऑयल है, रोजिप ऑयल है, आलमंड ऑयल और अनार का सत मिला है, जो हमारी त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रखकर स्किन को चमकदार और प्री मैच्योर स्किन होने से बचाता है। यह एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, यानी कोई भी यूज कर सकता है, जिसे हम हमारी वार्डरोब में तरह तरह के महंगे प्रोडक्ट रखने से छुटकारा मिल जाता है। तो है ना ये कमाल की रेंज। तो करना चाहेंगे आप अपनी स्किन से तो करना चाहे अपनी स्किन से प्यार, वो कैसे करें हैम्प रेंज से इनकार। अब हम प्रोडक्ट डिटेल की बात करें तो आइए प्रोडक्ट के नाम जानते हैं। फर्स्ट है रिपेयर एंड बैलेंसिंग फोमिंग फेस वॉश। नाम से ही समझ आता है कि फेस वॉश है जिसे हमें सुबह शाम यूज करना है। इसकी MRP 900 है, DP 782 है एंड PV 17 है। दूसरा प्रोडक्ट है रिपेयर एंड बैलेंसिंग फेस स्क्रब। दिन भर की धूल धमक से बचने के लिए और डेड स्किन रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी MRP है 950, DP है 826 एंड PV है 18। तीसरे प्रोडक्ट की बात करें तो ये है बैलेंसिंग रिपेयर एंड बैलेंसिंग मिल्क सीरम। मिल्क सीरम हमारी स्किन को अंदर से सॉफ्ट और सपोर्ट बनाता है। इसकी MRP है 1050, DP है 913.29। चौथा है हमारा रिपेयर एंड बैलेंसिंग फेस ऑयल। ऑयल के नाम से सब घबरा जाते हैं क्योंकि चिपचिपाहट, एक्ने सब ध्यान में आ जाता है और हैम्प सीड ऑयल अपने अपने टेस्टेड गुणों के कारण सब स्किन टाइप के लिए अंदर से हाइड्रेट करता है। इसका MRP 1100 है, DP है 956 और PV है 21। पांचवा प्रोडक्ट है रिपेयर एंड बैलेंसिंग मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर हमारी स्किन को स्किन की मॉइस्ट को लॉक करता है, डैमेज होने से बचाता है और जिस एजिंग साइंस को दूर करने में मदद करता है। इसकी MRP है 1250, DP है 1086, PV है 24.15। टोटल DP वैल्यू इसकी 4565 है एंड PV है 101। अब हम तूफान की बात करें, तूफान के मैथमेटिक्स की, तो हैम्प लैम्प का फुल बास्केट 101 PV जनरेट करके आपको 100 PV कोर बनाता है और ये हमारी सफलता का आधार है और यही से आपके सारे छोटे बड़े सभी सपने पूरे होने शुरू हो जाते हैं। और ये भी सिर्फ अपनी दुकान, चर्चा और खर्चा बदलकर। तो क्या आप करें अपने सपनों को, तो क्या आप अपने सपने को पूरा करने के लिए तैयार हैं? यस मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से रोमिला मैम ने बताया। फ्रेंड्स, मैं देख रही हूँ लीडर्स लिपसिंग कर रहे हैं, यही तरीका है, जो कहा जाए उसे फॉलो करो तो सफलता जरूर मिलती है। चलिए अब मैं मेरे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहती हूँ, शशि मैम। शशि मैम, ओवर टू यू। यस, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी।
तो आज मैं आपको हेम्प लैब के बारे में बताती हूँ कि उसकी नीड जो है कैसे हमारे जीवन में है। आज की भागती दौड़ती तड़क भड़ी और चकाचौंध वाली लाइफ स्टाइल में खुद को मेंटेन रखना, सुंदर दिखना, एक प्लीजेंट पर्सनालिटी बनने की रेस में शामिल होना लग्जरी ही नहीं एक जरूरत भी बनता जा रहा है। सही कहा ना हमने? आप भी हमारी इस बात से सहमत होंगे कि आपका रंग चाहे साफ हो या डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, चमकदार हो या स्पॉटलेस स्किन, सबको अच्छी लगती है। स्किन पर एक छोटा सा दाग भी मन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। हमारे कपड़े पे दाग लग जाए तो ड्राई क्लीन करा सकते हैं, पर स्किन के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि वो हमारा आईना है जिसका चमकदार और क्रिस्टल क्लियर होना तो बनता ही है। तो देखते हैं कि इसका सलूशन क्या है। तो आइए बात करते हैं एक ऐसे जादुई प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट रेंज वन ऑफ इट्स काइंड रेंज की, जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है, जिसका नाम है हेम्प लैब, जो कि आजकल ब्यूटी इंडस्ट्री में मोस्ट ट्रेंडी इंग्रेडिएंट्स माना जाता है। ये एक वर्सटाइल प्रोडक्ट है, यानी सभी तरह की स्किन टाइप को सूट करता है। लोग थक जाते हैं महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करते करते, पर रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि हर प्रोडक्ट जो है हर स्किन टाइप को सूट नहीं करता है। लेकिन हेम्प लैम्प अपनी इसी गुण के कारण ओवरनाइट रिजल्ट देने में सक्षम है और हमारी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और सफल बनाता है। इसके 5 स्टेप रूटीन हमारी स्किन को नेचुरल हार्मनी देते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारी स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए रेडिएंट बनाता है। ये नॉन कोमोडोजेनिक इंग्रेडिएंट से बना है, जिससे हमारी स्किन के पोर्स बंद नहीं होते हैं और स्किन को ब्रेथेबल बनाते हैं। और वही प्रोडक्ट स्किन के लिए अच्छा होता है जो कि स्किन को सांस लेने का मौका दे। हेम्प रेंज से हम क्लीन ब्यूटी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, क्वालिटी फ्री है, वीगन लाइट वेट प्रोडक्ट है ये। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। इसमें हेम्प सीड ऑयल है, विटामिन सी है, हाइलोरोनिक एसिड है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, ऑर्गन ऑयल है, रोज हिप ऑयल है, आलमंड ऑयल और अनार का सत मिला हुआ है, जो हमारी त्वचा को अंदर से हाइड्रेट रखने की रखता है और स्किन को चमकदार और प्री मेच्योर स्किन होने से बचाता है। ये एक यूनिसेक्स प्रोडक्ट है, यानी कि जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट कोई भी इसको यूज कर सकता है, जिससे कि हमें हमारी वार्डरोब में तरह तरह के महंगे प्रोडक्ट्स रखने से छुटकारा मिल जाता। तो है ना ये कमाल की रेंज, जो करना चाहे अपनी स्किन से प्यार वो कैसे करे हेम्प रेंज से इनकार। प्रोडक्ट डिटेल, तो आइए हम जानते हैं इसके प्रोडक्ट को, नाम से जानते हैं। इसका पहला प्रोडक्ट है रिपेयर एंड बैलेंसिंग फोमिंग फेस वॉश। इसके नाम से ही समझ में आ जाता है ये एक फेस वॉश है जिसे हमें सुबह शाम यूज करना है। इसकी MRP जानते हैं तो 900 रुपीज है, और इसका DP प्राइस है 782, और इसका PV हमें 17 PV हमको इससे प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा इसका वो प्रोडक्ट है रिपेयर एंड बैलेंसिंग फेस स्क्रब। दिन भर की धूल धमक से बचने के लिए और डेड स्किन रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी MRP है 950 रुपए, और DP प्राइस इसका 826 रुपए है, और इसके PV 18 PV हमको इसके मिलते हैं। तीसरा इसका प्रोडक्ट है रिपेयर एंड बैलेंसिंग मिल्क सीरम। मिल्क सीरम हमारी स्किन को अंदर से सॉफ्ट और सफल बनाता है। इसका MRP 1050 है, इसका DP प्राइस है 913 रुपए, और इसके PV 20 PV इसके है। चौथा इसका प्रोडक्ट है रिपेयर एंड बैलेंसिंग फेस ऑयल। ऑयल के नाम से तो सब घबरा जाते हैं, क्योंकि चिपचिपाहट, एक्ने, सब ध्यान आ जाता है, और हेम्प सीड ऑयल जो है अपने वर्सटाइल गुणों के कारण ही सब स्किन टाइप को अंदर से हाइड्रेशन पहुंचाता है। इसका MRP 1100 रुपए है, और इसका DP प्राइस हमको 956 पड़ता है। इसके PV हमें 21 PV हमको इससे मिल जाते हैं। इसका पांचवा प्रोडक्ट जो है रिपेयर एंड बैलेंसिंग मॉइस्चराइजर है। मॉइस्चराइजर हमारी स्किन के मॉइस्ट को लॉक करके उसे डैमेज होने से बचाता है, जिससे एजिंग साइंस को दूर करने में मदद मिलती है। इसका MRP 1250 है, और इसका DP 1086 है, और इससे हमें 24 PV मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो टोटल DP वैल्यू है वो पड़ती है करीब 4,565 रुपए, और हमको PV कितने मिलते हैं इस पूरी बास्केट से, हमें इसका टोटल PV मिलता है 101 PV हमको मिल जाते हैं। तो ये है हमारे तूफान में कैसे हमारी मदद करता है। तो आइए इसका गणित देखते हैं।
हेम्प लैम का फुल बास्केट जो है 101 पीवी जनरेट करके आपको 100 पीवी कोर बनाता है, जो कि हमारी बड़ी सफलता का आधार है। और यहीं से आप अपने सारे छोटे बड़े सभी सपने पूरे होने आपके शुरू हो जाते हैं, और वो भी सिर्फ अपनी दुकान खर्चा और चर्चा बदलकर। तो क्या आप अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हैं? यस मैम, सब तैयार है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। देखा आपने फ्रेंड्स कि चार लोगों ने बात करी, प्रोडक्ट के बारे में बात करी, तो एक सीक्वेंस सेट हो गई है जिसे हमें याद करना आसान हो गया, और मुझे तो याद हो ही गई है, मैंने और भी लीडर्स को देखा है। आई थिंक जितने आज लोग हैं उसमें से आधे लोगों को तो स्क्रिप्ट याद हो गई होगी, और जिनको याद नहीं हुई है वो टेंशन ना करें, क्योंकि जैसी ट्रेनिंग पूरी होगी उसके बाद आपको इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा, आप खुद पढ़िए, अपनी टीम में पढ़वाइए, खूब सारे हैम के किट्स शेयर करिए, लोगों को सॉल्यूशन दीजिए, और बड़ा पैसा और फॉरेन ट्रिप कमाते जाइए। तो अब मैं हमारी सूत्रधार सुरेखा दीदी को बुलाना चाहती हूँ। ओवर टू यू दीदी। थैंक यू सो वेरी मच एंड अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, और मैं जोरदार तालियां रचना आपके लिए और पूरी टीम के लिए बजाना चाहती हूँ। अमेजिंग, मुझे पता है बहुत मेहनत का काम है। थैंक यू दीदी। स्क्रिप्ट लिखना, स्क्रिप्ट तैयार पूरी तरीके से फाइनल करना, और उसमें से कहते हैं ना कि गागर में सागर भरना, हम लोगों को ज्यादा नहीं सिखाना चाहते। कई लोग हैं जो कि अभी स्क्रिप्ट देख के कर रहे होंगे, अच्छा इसमें ये भी ऐड किया जा सकता है, इसमें ये भी ऐड किया जा सकता है। ऐड तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बट हमने जितनी मिनिमम जरूरत है उतना ही कॉन्टेंट रख करके एक स्क्रिप्ट तैयार करिए, क्योंकि एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट 10 लोग पढ़ें, 10 लोग याद करें, कि बजाय थोड़ी कम अच्छी स्क्रिप्ट 100 लोग याद करें, वो ज्यादा अच्छा है। तो जितना इसको सिंपल रखा जाएगा, जितना इसको मिनिमम रखा जाएगा, उतना ज्यादा लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे। इसी उद्देश्य से ये वन पेजर आपके लिए लिटरली बनाया गया है। हम इसकी आपको ये वाली पीडीएफ भी देंगे और एक वन पेजर भी देंगे। जब आप अपने घर पे वर्कशॉप करते हैं, टीम 25 मीटिंग करते हैं, या कहीं भी वर्कशॉप करते हैं, तो आप उसका प्रिंटआउट लेकर के भी लोगों को दे सकते हैं और डेफिनेटली उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो इट्स रियली अमेजिंग। आशा है आपको ये पसंद आ रहा होगा। हम आपको रट्टाफिकेशन करा रहे हैं, बेसिकली बेबी स्टेप्स हम सिखा रहे हैं। आप इसमें अपनी टीम को लेकर के आइए और आगे बढ़ते चले जाइए। तो हर थर्सडे हम ये करेंगे कि हम एक प्रोडक्ट की डिटेल में टीटीटी करेंगे और किसी एक प्रोडक्ट की हम ट्रेनिंग करेंगे, फिर उसकी अगले हफ्ते जो है टीटीटी करेंगे। तो इसी तरीके से आपको न केवल प्रोडक्ट की करेंगे, हम होम मीटिंग की करेंगे, बहुत सारी अलग अलग चीज हम इसमें इन्वॉल्व करते चले जाएंगे। हर वो चीज जो आपको इस बिजनेस के लिए चाहिए उसकी टीटीटी हम करने वाले हैं। तो आइए चलिए आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम जो कर रहे हैं वो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब, और उसके लिए हमारे साथ हैं पवित्रा जी। तो जोरदार तालियां हम बजाने जा रहे हैं पवित्रा जी के लिए। पवित्रा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आज एनवायरोचिप और एनवायरो ग्लोब की, लेकिन उससे भी पहले हम आते हैं कि व्हाई एनवायरोचिप एंड एनवायरो ग्लोब। तो फ्रेंड्स, एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या हमारी जिंदगी जैसे 30 साल पहले थी वो आज है, या कई चेंजेस आए? कई सारे पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं और कई सारे इम्पैक्टफुल चेंजेस भी आए जो शायद हमें कहीं ना कहीं पसंद नहीं है, हम जानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, लेकिन हमारी जिंदगी आज के तारीख में एक अनजाने डर से घिरी हुई है। कंसिस्टेंटली कोई ना कोई चीज है जो हमें बॉदर करती जा रही है और हमें पता भी नहीं होता है कि भैया ये चल क्या रहा है, क्यों होता है। हम छोटे छोटे से चेंजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो चेंज हम लोगों ने देखा, अगर मैं मुंबई की बात करूं, मैं मुंबई शहर में रहती हूं, तो मुंबई में हम जब छोटे थे 30 साल पहले, बहुत सारी चिड़ियाएं चहचहाया करती थी, आज अचानक चिड़ियाएं गायब हो गई। पहले हमने कभी कैंसर का नाम अपने बचपन में सुना नहीं था, लेकिन आज हर 10 घर में से किसी न किसी एक घर में कोई ना कोई एक कैंसर का पेशेंट हमें मिल रहा है। पहले जब बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज जो हुआ करते थे, छोटे बच्चे जो पैदा हुआ करते थे, 10,000 में से कोई एक बच्चा हमें ऑटिज्म का शिकार मिलता था। आज की तारीख में हर 50 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार बन रहा है। फ्रेंड्स, पहले ना IVF क्लिनिक नहीं हुआ करते थे, जिसे हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्लिनिक। आज की तारीख में हर शहर में IVF क्लिनिक की दुकान खुल गई है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिविटी जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुई है बहुत बुरी तरीके से। काफी सारी चीजें जो बदली हमारे एरियल पर हमें पता भी नहीं चला। हम एक स्ट्रेसफुल जिंदगी में जीने कब लग गए, घर में खुशहाली है, सब है, पर बंदा स्ट्रेस में है। क्यों स्ट्रेस में पता नहीं, पर वो स्ट्रेस में जी रहा है। एंग्जाइटी लेवल बढ़ा,
कोरोना टाइम एक ऐसा आया, हर एक को कोरोना ने डरा दिया, यस और नो? लेकिन कोरोना में जितनी डेथ रेट नहीं हुई थी उससे ज्यादा डेथ रेट कैंसर की हमारे देश में ऑलरेडी हो रही है, और यही कारण है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पहले सिर्फ मुंबई में एक हुआ करता था, आज हर राज्य में एक एक टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल खुल गया। और सबसे बड़ी बात, पहले हम लोग आपस में मिलजुल के चाय पिया करते थे, आजकल क्या करते हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, राइट? लाइफ हैज बिकम इजी, इजी लाइफ हो गई। लेकिन ये इजी लाइफ होने के कारण हुआ ये कि हर घर में वाईफाई राउटर पहुंच गया, हर हाथों में मोबाइल फोन आ गया, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हम लोगों से तो दूर हो गए लेकिन अपनी खुद की दुनिया में बिजी होते चले गए, और उसके कारण हमें बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स आने लग गए। प्रॉब्लम्स तो है, पर अगर मैं आपसे कहूं कि बिना मोबाइल फोन के जी सकते हैं, नो, इट्स अ बिग नो। भले मुझे पता है कि ये डेंजरस है, WHO ने तक ये कहा, कह दिया है कि भैया मोबाइल फोन का इस्तेमाल 1 घंटे में सिर्फ 6 मिनट का होना चाहिए। हर मोबाइल कंपनी भी कहती है कि मेरा मोबाइल फोन आप 1 घंटे में 6 मिनट के लिए इस्तेमाल करो। जब जब आप मोबाइल फोन पे बात करते हो तो मोबाइल फोन आपके शरीर से 1 सेंटीमीटर दूरी पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल फोन को इस तरीके से छू के बात करते हो तो वो आपके ब्रेन का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा देता है, सो ब्रेन सेल्स कुकिंग होना शुरू हो जाते हैं, तो आप सोचिए क्या हालत होती होगी। मोबाइल के बिना जिया नहीं जा सकता, बिना वाईफाई राउटर के हमें रेंज नहीं मिलेगी। कैसा हो अगर आपको इसका एक सॉल्यूशन मिल जाए कि आप मोबाइल फोन भी बेधड़ल्ले से यूज कर सको और बाहर से आने वाली रेडिएशन से भी अपने आप की, अपने परिवार की सुरक्षा कर सके, जानना चाहते हैं? यस, तो फ्रेंड्स इसके लिए मोदी केयर लेके आया है एक इनोवेटिव प्रोडक्ट जिसे कहते हैं इनवायरो चिप, और दूसरा जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज इनवायरो ग्लो। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। फ्रेंड्स इनवायरो चिप एक ऐसा पेटेंटेड प्रोडक्ट है जो आज मोदी केयर के पास है, और ये हमें रेडिएशन के प्रभाव से, दुष्प्रभाव से होने वाली प्रॉब्लम्स में से दूर रखता है। ये रेडिएशन को कम नहीं करता लेकिन ये रेडिएशन के स्वभाव को बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है। जैसे बिजली तारों से होके आती है पर हमें रोशनी देती है, यस, बिजली तारों से होके आती है पर वो हमारे फ्रिज को ठंडा करती है, ठीक इसी तरीके से रेडिएशन जब इस चिप के थ्रू गुजरता है जो हम अपने मोबाइल फोन पे इस्तेमाल करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। तो हम अपने आप को, अपने परिवार को मोबाइल फोन्स के रेडिएशन से इस तरीके से बचा सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ मोबाइल फोन रेडिएशन देता है? नो, कई सारे बाहर के सोर्स है। अब मोबाइल का जो टावर है वो तो बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ होता है, राइट? बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करते हैं। तो आप अगर कार में भी बैठ के जा रहे हैं ना तो आप सेफ नहीं है, क्योंकि वहां पर भी रेडिएशन आपके दिमाग पे, दिल पे हमेशा एक दुष्प्रभाव डालता है। तो आप यूज कर सकते हैं इन्वायरो ग्लो। ये आपके घर को 350 स्क्वायर फीट के एरिया को, कार्पेट को पूरी तरीके से रेडिएशन से प्रोटेक्टेड रखता है, बचाव करता है। बाहर से भी जो रेडिएशन आपके घरों में पहुंच रहा है, आपके ऑफिस में पहुंच रहा है, आपकी गाड़ी में आ रहा है, आप उसको दूर रख सकते हैं, राइट? तो फ्रेंड्स ये एक बहुत इनोवेटिव और बहुत कामयाब प्रोडक्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा इसका गणित भी समझ लेते हैं। एक इन्वायरो चिप के ऊपर अभी ऑफर है, एक इन्वायरो चिप पे, एक इन्वायरो ग्लोब के ऊपर इन्वायरो चिप फ्री है। इन्वायरो ग्लोब पे अप्रोक्सीमेटली 77 PV आता है और इन्वायरो चिप की ऑफर है न्यू ज्वाइनिंग के लिए 2+1, मतलब दो इन्वायरो चिप को बंदा लेता है तो एक इन्वायरो चिप उसको फ्री मिल जाती है, राइट? अगर किसी भी न्यू ज्वाइनिंग को या किसी भी बंदे ने एक इन्वायरो ग्लोब अपने परिवार के लिए ले लिया, इसपे एक इन्वायरो चिप उसको फ्री मिल जाएगी, साथ ही साथ दो इन्वायरो चिप पे उसको एक इन्वायरो चिप न्यू बंदे को फ्री मिलेगी। अगर ये दोनों उसने ऑफर ले ली तो उसके 101 PV जो है वो हो जाते हैं, तो 100 PV कोर क्लब में भी वो आ जाएंगे। और इसी को बेस बना के आप अपना धनवर्षा क्वालिफाई कर सकते हैं, आप श्रीलंका क्वालिफाई कर सकते हैं और जीत सकते हैं, राइट? तो बैक टू रचना भार्गव। अमेजिंग, अमेजिंग, क्या बात है, टू गुड, टू गुड। और कितनी बड़ी प्रॉब्लम और कितना छोटा सा सोल्यूशन, पर कितना ग्रेट सोल्यूशन, इट्स सो अमेजिंग फ्रेंड्स। पता है दिल दुखता है
जब अपने बच्चों को देखते हैं ना, वो मोबाइल पे लगे हुए होते हैं, लैपटॉप को गोदी में रखो, लैपटॉप को सचमुच लैप पे रखने वाला बना लिया गया है, उसी पे सिर रख के सोते हैं, उसी को देखते देखते सोते हैं, वो बिस्तर पे ही रहता है आजकल लैपटॉप। बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे खाना खा रहे होते हैं और साथ में वो कुछ ना कुछ पोकेमोन और कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं। सो मतलब बहुत हर्टनिंग है ये कि हमारा परिवार मोबाइल से बच ही नहीं सकता, रेडिएशन से बच ही नहीं सकता। और हम किसी को ये नहीं कह सकते मोबाइल मत चलाओ, मैनुअल कहता है, मैनुअल कहता है कि भैया बस बहुत थोड़ी सी देरी आप है ना, 1 घंटे में आप 5 मिनट मोबाइल के करीब रहिए। पर हम तो अगर कहेंगे तो दुनिया ही उल्टी पुल्टी हो जाएगी, हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट वही चीज अगर हमसे, हम आपसे कहते हैं कि भैया मोबाइल भी चलाओ, अपनी मनमर्जी से इतना चलाओ, राउटर है, लैपटॉप है, जो भी चीज है, जो भी टॉवर है, कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं करेगी अगर आपने छोटी सी चिप लगा ली और अपने घर में एनवायरो ग्लोब रख लिया तो। इट्स सो इजी, ये आपके पूरे परिवार को न जाने किन किन बीमारियों से बचा सकता है, उन बीमारियों का जिनका हमें अंदाजा भी नहीं है, हमें पता भी नहीं लगता कि अच्छा ये क्यों हो गया, क्यों डाइजेशन खराब हो रहा है, क्यों सिर में दर्द हो रहा है, क्यों साइनस हो रहा है, क्यों कैंसर हो रहा है। ये बड़ी बड़ी बीमारियां तो छोड़ दो, हम सोचते हैं बड़ी बीमारियां तो हम तो अमृत लेकर पैदा हुए हैं, बड़ी बीमारियां हमें तो होने ही नहीं वाली हैं, पर ये जो छोटी छोटी चीज, जो एंजाइटी चल रही होती है, जो डिप्रेशन चल रहा होता है, जो वर्क एफिशिएंसी हमारी कम हो रही होती है, वो हमें पता ही नहीं चलता कि मोबाइल रेडिएशन के कारण हो रही होती है। सुनते हैं, कहते हैं कि भैया लोग अपनी पॉकेट में मोबाइल रखते हैं तो हार्ट को प्रॉब्लम देता है, नीचे की पॉकेट में रखते हैं तो इनफर्टिलिटी को में है ना हैम्पर करता है। हर चीज जो है वो मोबाइल के रेडिएशन का असर हर चीज पर दिख रहा है, घर की खुशियों पर इसका असर दिख रहा है। और अगर बहुत सारी खुशियां इतनी छोटी सी चिप से अगर बदली जा सके तो घर के हर एक सदस्य के हर एक मोबाइल पर एनवायरो चिप लगी होनी चाहिए और हर कमरे में एक एनवायरो ग्लोब रखा होना चाहिए। इतना सा सॉल्यूशन बहुत कुछ कर सकता है, और खास करके तब जब हम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो इस सोल्यूशन को अपने दिल में रख करके नहीं बैठना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब शेयर कीजिए और आगे बढ़िए, वैल्यू ऐड कीजिए खुद की लाइफ में भी और दूसरों की लाइफ में भी। सोल्यूशन प्रोवाइडर बनिए एक बहुत बड़ी समस्या का। इतना सा ही याद करना है, इतना सा ही सीखना है। हम अगले हफ्ते डेफिनेटली इसकी TTT करेंगे, पर आज के लिए इतना ही काफी है। ओवर टू रचना, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू दीदी, एंड थैंक यू पवित्रा मैम फॉर आई ओपनिंग फैक्ट्स हैं ये जो हमें मालूम है बट हम इग्नोर कर देते हैं लापरवाही के कारण। तो बस अब लापरवाही नहीं करना है, मोदी केयर है तो सब संभव है, सारे सॉल्यूशंस हमारे पास हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का TTT, होपफुली सबके लिए यूजफुल होगा। और इसी क्रम में आज सैटरडे है, कल संडे है, जो आज सीखा है उसे कल यूटिलाइज करना है। हाथ में प्रिंट आउट लीजिए और उतर जाइए अपनी टीम के साथ। और मंडे को हम मिलेंगे परिवर्तन के साथ, कल संडे है जो प्रोस्पेक्टिंग होगी, हम सब गेस्ट को बुलाना है मंडे परिवर्तन में और बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो इसी के साथ आज की मीटिंग एंड करते हैं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, गुड नाइट।